नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला होम्योपैथी फिजिशियन, होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। होम्योपैथी फिलॉसफी जो डॉक्टर हनी मैंने लिखा है अर्गनान ऑफ मेडिसिन में, उसके रेगुलर एक एक इफोरिज्म के बारे में मैं रेगुलर आप लोगों को एक जानकारी देता रहता हूँ। आज उसी क्रम में एफोरिज्म नंबर 28 के बारे में डॉक्टर हनीमैन ने क्या बताया है और उसको हमें अपनी प्रैक्टिस में कैसे यूज करना है, ये हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो डॉक्टर हनीमैन सर बताते हैं, एज दिस नेचुरल लास्ट क्योर मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एवरी प्योर एक्सपेरिमेंट एंड एवरी ट्रू ऑब्जर्वेशन इन द वर्ल्ड, द फैक्ट इज कंसिक्वेंटली स्टेबलाइज इट मैटर लिटिल व्हाट मे be the scientific explanation of how it takes place, and I do not attach much importance to the attempt made to explain it, but the following view seems to commentate itself as the most probable one, as it is founded as premission derived from experience. Dr. Hanuman sir बताते हैं कि परीक्षा एवं प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित चिकित्सा के नियम क्या होते हैं। अनुभव और परीक्षा से यह सत्य प्रमाणित हो चुका है कि रोग को नष्ट करने का यह नेचुरल नियम है, प्राकृतिक नियम है। यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक नियम किस वैज्ञानिक रीति से प्रेरित है। महत्वपूर्ण तो यह बात है कि परीक्षण स्वतः सत्य है, क्योंकि अनुभव की कसौटी पर यह बिल्कुल खरा साबित होता है। सत्य के लिए कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती है। अनेकों दवाओं के अनुभवों से यह प्रमाणित हो चुका है कि सादृश्य विधान की चिकित्सा ही रोग का संपूर्ण पूर्णतः उन्मूलन कर सकती है। अतः अनुभव की कसौटी पर खरा उतरने वाले नियम की वैज्ञानिक आख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह डॉक्टर हनीमैन ने हमें अर्गनान ऑफ मेडिसिन के 28 एफोरिज्म में बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इससे टाइम टाइम पे जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय हिंद।